जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो लगभग टॉप से 20% एक डिस्काउंट में मेजर सपोर्ट से बाइंग टीआरसी भी बना के रिवर्स हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना मेजर सपोर्ट पे और वहां से रिवर्स हो चुका है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसके क्वार्टर के रिजल्ट आए। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इसमें चार्ट में देख सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। एक इसमें आप इसमें एक चीज है कि कंसोलिडेट फेज में था। ये कंसोलिडेट फेज मतलब ये भी देख सकते हो कि इसने देखो कोविड के टाइम एक टॉप लगाया था, लगभग लगाया था 2620 रुपए का, और अभी उसी रेंज में एक ट्रेड कर रहा है। अब इसमें एक रेंज ये देखो, ये इसकी एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। ये ऊपर भी टक्कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस टाइप का बना हुआ था। यहां से एक मेजर सपोर्ट था, कहने का मतलब ये पहले एक सपोर्ट था, दो तीन बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर प्रेजेंट टाइम में यहीं से सपोर्ट बना हुआ था। अब कौन सा सपोर्ट था उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सपोर्ट होने के बाद में ये यहां पर सपोर्ट था। अब कौन सा सपोर्ट था इसको देखो, एग्जैक्ट तो अपन डिसाइड कर नहीं सकते, ठीक है, एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक अपने को जोन बनाना होगा। जोन बना किस तरह से, एक तो सपोर्ट ये लिया था, यहाँ से देखो पहले एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अपन रिट्रेसमेंट करके ये सपोर्ट लिया। तो एक जोन बनाना पड़ेगा, इस सपोर्ट के पास में मेजर सपोर्ट था और यहीं से वापस रिवर्स। अगर नीचे की तरफ आना होता तो ये 2100 रुपए तक आ सकता था, इसकी जगह बची हुई थी तो 2100 रुपए तक आ सकता था, लेकिन यही मेजर सपोर्ट से रिवर्स होके और उसमें अच्छा एक बाउंस आया है। और उस बाउंस को क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। एक देखो हैमर डोजी टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, डेली टाइम फ्रेम में तो पीर्सिंग पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बना है। मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में देखो एक बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश इनकल्पिंग टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर ये बन जाता है कन्फर्म, देखो ऊपर जाके वापस आया तो बन जाता है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है उसको इसको फेस करना पड़ेगा। इससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने पर ही अच्छा मूवमेंट आएगा, वो रेजिस्टेंस कौन सा उसको समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजर सपोर्ट से तो रिवर्स हो गया, लेकिन ये जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था ना, ये सपोर्ट को फेस करना बहुत जरूरी है। फेस करने का मतलब इसको ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब दो तीन बार सपोर्ट ले लिया था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इस रेंज के अंदर रह सकता है, इस रेंज के अंदर थोड़े दिन इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों बनती है, अब देखो थोड़ा सी उसमें टेक्निकल चार्ट पे आते हैं, थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। फंडामेंटल में अपने को जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, क्वार्टर फोर के रिजल्ट, उसमें अपने को पता चलेगा कि इसमें रुक क्यों सकते हैं। देखिए, ये इसके एफएमसीजी ब्रांड है, आप देख सकते हो लाइफ और साबुन है, फिर पक्सल है, रिन साबन है, सारे बूस्टर, ये मतलब जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट है वो सारे इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देख सकते हो चार्ट में भी, इसमें डायग्राम में दिए, जो इसमें व्हील एक्सेल है, बूस्टर है, थीर रोज है, रेड के लेवल ताज है, ये मतलब ताजा है, और ये क्लीनर है, ताजमहल चाय आती है, ठीक है, क्लोजअप है, कम्फोर्ट है, कॉर्नेट है, क्लिंग प्लस है, ये सारे इसके ब्रांड आपने देखे होंगे जो हम घर में यूज में करते हैं, वो सारे एफएमसीजी की बाहर की कंपनी है ये। ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां ये कंपनी जहां जाती है जिस देश में, वो इसका नाम कंपनी का नाम है यूनिलीवर, ठीक है, इस कंपनी का नाम है यूनिलीवर। पाकिस्तान यूनिलीवर भी कर देती है, बांग्लादेश यूनिलीवर कर देती है, बस ये हटा देती है और मतलब एड कर देती है दूसरा नाम, और इसका कंपनी का नाम यूनिलीवर है, ठीक है। तो ये इस तरह की ये कंपनी है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट का सबका लगभग मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 546,785 का करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 27 है, बाद में 2770 है, बाद में 2170 है। स्टॉक पी है 53 है, आरओसी इसका है 27% है, आरओई इसका 20% है, फेस वैल्यू इसकी एक है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ये देती है। ये इसका एक डाटा हो गया। अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपन सितंबर दिसंबर और मार्च के देखते हैं सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। देखिए, सितंबर में इसका देखिए सेल कितनी हुई है, 15,623 है, और बाद में दिसंबर की बात करें तो 15,567 है, बाद में 15,210 है। ये इस तरह का इसका, अब देखो सेल में कमी आई है, ध्यान दीजिए, मार्च में 15,567 है, 15,210 है,
तो ये इसमें कमी आई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11,800 बाद में 28 है, बाद में 11,900 है, 11,600 है। तो इसमें एक इसने क्या कर लिया है, अब देखो लगभग इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, मतलब तीन को ये सेल तो इसमें तीन, हाँ 300 करोड़ के लगभग ज्यादा हुई है, लेकिन एक्सपेंडिचर में देखो ये एक्सपेंडिचर इसमें कमी आई है, कमी भी आई है, इससे ज्यादा कम भी है और बाद में कमी भी आई है। तो इसने क्या किया, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन है तो, लेकिन इसको कंसोलिडेट तो किया तीन लगभग कितने तीन का, हाँ तो लगभग तीन का ही इसमें दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो 37.95 था, बाद में 36.65 हो गया, बाद में 35.35 हो गया। तो ये इस तरह का इसका थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब इसका डिक्लाइन हुआ है। और फिर बाद में अदर इनकम का सोर्स है वो 185 हो गया, फिर बाद में 309 हो गया। तो अदर इनकम का सोर्स में इसमें देख सकते हो कि 125 के लगभग, मतलब 125 करोड़ का इसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ। इस वजह से आप नेट प्रॉफिट में देखो यहाँ से डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पर इंक्रीज दिखाई देगा। 2508 था तो यहाँ पर 2561 हो गया, 2508 था तो यहाँ 2561 हो गया, 61 हो गया। ये इस तरह का इसका डाटा है। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट की, बात इक्विटी कैपिटल कितना है, 235 हो गया। रिजर्व की बात करें तो 15983 है। बोरोइंग की बात करें तो कर्जा की बात करें तो 1484 है। ये इस तरह का इसका कर्जा है। फिर बाद में अपन बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 61% है, एफआईज की होल्डिंग है 12% है, डीआईज की होल्डिंग है 13% है, पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 12% है और 12 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इस तरह की इसकी होल्डिंग है, ये डाटा है। वापस आते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पर। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, एफएमसीजी का है, लेकिन देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर ज्यादातर लोग अब थोड़ा सी जागरूक भी हो रही है, जागरूक, और दूसरा जैसे पतंजलि ने इसको टक्कर भी दे दी है, तो ये भी एक इसके भी पतंजलि के प्रोडक्ट भी बिकने ज्यादा लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत इससे इसको हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब घाटा हो सकता है, मतलब इसकी सेल कम होगी। तो ये मेजर सपोर्ट था, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, वीकली टाइम फ्रेम में बन चुका है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई बाइंग टीआरसी भी देता है तो बाद में इसके पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी भी बना हुई हुआ है, मेजर सपोर्ट से बना हुआ भी है, ठीक है। ये बुलिश इनगल्फिंग बन जाता है, ब्रेक कर देगा तो अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। अब एक चीज अपने को ये देखनी है कि यहाँ से एक इसको रेजिस्टेंस को पार करना चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पार करने के बाद में आपको एक ट्रेड लाइन भी आपको दिखा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं है वैसे, लेकिन देख लेते हैं अपन ट्रेड लाइन का। ये देखो ये ट्रेड लाइन, इसको बार बार यहाँ पर आके इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, इस ट्रेड लाइन को इसको ब्रेक करेगा तो इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। ये एक तो ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से अगर कोई सेलिंग टीआरसीपी बने तो हो सकता है इस रेंज में रहे, अगर यहाँ बनता है तो इस रेंज में रहे। अब इसको पार कर दिया, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी भी दे दिया तो फिर बाद में अच्छा मूवमेंट आ जाएगा, अच्छी रैली आ जाएगी। लेवल में वापस रिपीट कर देता हूँ, एक तो ये रेजिस्टेंस 24 20 है, इसको ब्रेक करना चाहिए, कोई भी यहाँ पर सेलिंग टीआरसी पे नहीं बनना चाहिए। एक दूसरा ये लेवल है 2600 का लेवल है, 2600 पर कोई सेलिंग टीआरसी पे नहीं बनता है तो इसमें अपने ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सेलिंग टीआरसी पे कोई शूटिंग स्टार, कोई बीएससी इनगल्फिंग, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इस रेंज जहां पर बनती है, यहां पर बनती है तो इस रेंज में रह सकता है, यहां पर बनती है तो इस रेंज में रह सकता है, वो आप इस तरह से देख सकते हो। बिजनेस मॉडल ठीक है, आने वाले इतना भी रिटर्न नहीं मिलेगा कि 4-5 गुना हो जाए, लेकिन एफडी से आपको अच्छा 15% के लगभग मिल सकता है, इसमें 15-20 के लगभग रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अब एक चीज ये भी है कि 2-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है इस रेंज में, तो ये एक बार इस तरह से होता है 2-3 साल नहीं रहते फिर बाद वापस अच्छा मोमेंट आता है, तो ये हो सकता है कि इसको एक बार ब्रेक करे। तो अपने को ध्यान लेवल है 2420 का लेवल दे सकते हैं, 2600 का लेवल ध्यान दे सकते हैं इसको ब्रेक करने पर, और ये भी है अचानक ब्रेक करेगा तो दिक्कत आ सकती है, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी देगा तो फिर बाद में अच्छा मोमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये इस तरह का वीडियो का कंक्लूजन अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल हमने जैसे 2420 का लेवल ध्यान दिया, बाद में 2600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार करने पर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। रेंज में जहां पर भी हमने डिस्कस किया उस रेंज में कोई सेलिंग टीआरसीपी बनता है तो यहाँ पर इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है या फिर इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है।
इस लेवल से आप इस अपनी हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।